हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में अपन यह करा था, लास्ट क्लास में अपन पढ़ा था भाई प्रेशर और उसके जो फैक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देंगे। नहीं देखा है तो लिंक में आ जाएगा, चेक कर लेना, ऊपर आ जाएगा आपको आइकन में। ठीक है, आज क्लास में अपन क्या करने वाले भाई, प्रेशर इन फ्लूइड्स में कैसे रिएक्ट करता है। राइट, तो भाई एक बात बताओ, सॉलिड में प्रेशर कहाँ पे एक्ट करता है? ये अपन सॉलिड बार ले लिया और ये ग्राउंड ले लिया, तो प्रेशर की तरह करेगा नीचे की तरफ। राइट, और किससे इक्वल होगा? फोर्स अपॉन एरिया। और फिर यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? जीरो। यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? जीरो। भाई कुछ प्रेशर नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर लो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं गिनते तो बाकी कोई भी प्रेशर नहीं होगा इस पर। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे अर्थ है उस पर क्या प्रेशर आ रहा है? लिक्विड के केस में थोड़ा सा अलग है, आओ देखते हैं कैसे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक वाटर बॉटल ले लिया है, जो भी है लिक्विड के पार्टिकल्स है, ये उसका सरफेस है, यहाँ पे पार्टिकल्स है इसके लिक्विड के बराबर। तो अब देखोगे ये जो पार्टिकल्स है ना, ये प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, हर जगह पे उसका प्रेशर लगेगा और हर जगह पे इक्वल प्रेशर होगा। इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर दे रहा है हर जगह पे, ऑल साइड्स इक्वली देगा। ये भी जो प्रेशर दे रहा है यहाँ पे, जो हर साइड में ये प्रेशर देगा। सपोज मान लो ये पी वन है, ये पी टू है, ये पी थ्री है। प्रेशर इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन फॉर लिक्विड्स। तो सर आपने ये P1, P2, P3 क्यों लिखा है? बेटा प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट इन लिक्विड्स। मतलब इस पॉइंट में प्रेशर अलग होगा, इस पॉइंट में प्रेशर अलग होगा, इस पॉइंट में प्रेशर अलग होगा, इस पॉइंट में प्रेशर अलग होगा और नीचे भी अलग होगा। अरे ऐसा है क्या? अरे हाँ जी ऐसा है। ये और एग्जाम्पल से अपन समझेंगे भी ऐसा है भी क्या करके, और वो कैसे डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, वो सब हम अभी आगे देखेंगे। तो अभी अब तक क्या समझ में आया? जो प्रेशर होता है फ्लूइड्स में क्या होता है, हर जगह पे इक्वली एग्जर्ट होता है। ठीक है, हर जगह हर पॉइंट पर अगर प्रेशर इस पर निकला तो हर जगह पे देगा, खाली इंच नहीं देगा, हर जगह पे देगा। ठीक है गाइस, फ्लूइड्स में क्या है, खाली वाटर वाटर और गैस भी आ गया, गैस भी फ्लूड है और वाटर भी फ्लूड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? परफेक्ट, लवली। तो भाई इसके बाद में अपन को ये समझना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल पे दे देते हैं। अपन देखा होगा या कभी देखा होगा बचपन में, एक्सपेरिमेंट में करा होगा ये वाला। एक पानी है, यहाँ पे होल्ड कर दो, यहाँ पे होल्ड कर दो, यहाँ पे होल्ड कर दो। अब देखोगे पानी यहाँ पे गिर रहा है इस फोर्स से, और ये आएगा थोड़ा ऐसे और ये आएगा धमाका इतना ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो भी फोर्स है, बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, एरिया तो अपन सेम रखा है यहाँ पे। तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कम है पी टू से और पी थ्री, बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया? पी वन इज लेसर पी टू, मतलब क्या सबसे ज्यादा क्या है बड़ा P3, यहाँ का प्रेशर सबसे ज्यादा है, यहाँ पे फिर कम है, यहाँ पे और कम है। तो कहने का मतलब क्या, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाता है मेरा फ्लूइड्स में तो मेरा प्रेशर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाता है फ्लूइड्स में मेरा प्रेशर इंक्रीज होता है फ्रॉम द सरफेस। सरफेस ये सरफेस है, उसके नीचे जाएगा वहां से बढ़ेगा। यहाँ से हाइट नहीं देखना, हाइट यहाँ से देखोगे उल्टा, लिक्विड सरफेस से नीचे कितना डेप्थ है उतना उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। आगे ये बात समझ में, इतना पार्ट क्लियर है? श्योर इतना पार्ट क्लियर है? इसमें कुछ भी डाउट है? परफेक्ट लवली। अब दूसरी एक बात है, जो देखो मैंने क्या समझने वाला, लिक्विड एट एवरी पॉइंट वुड बी डिफरेंट, लिक्विड लिक्विड प्रेजेंट एट एवरी डिफरेंट पॉइंट्स वुड एग्जर्ट डिफरेंट प्रेशर। लेकिन ये लेवल पे हॉरिजॉन्टल पे कोई भी लेवल, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसके नीचे है, हर पॉइंट हर लिक्विड 5 सेंटीमीटर के नीचे जो यहाँ पे होगा ना, उसका क्या होगा? उसका सेम प्रेशर होगा, उसका सेम प्रेशर होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल में वो सेम प्रेशर होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन हर जगह होगा, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी प्रेशर चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। वर्टिकली जाओगे तो मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा, उसी एक पॉइंट पे आप पूरा हॉरिजॉन्टल में आप देखोगे तो सेम प्रेशर। ये बच्चन मांगे, परफेक्ट लवली। तो अभी इसका फॉर्मूला बहुत तरीके से अपन लिखते हैं, और आओ इसमें अपन देख लेते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल निकालते हैं, ढूंढते हैं इसका फॉर्मूला। ना कुछ ले लिया, चलो परफेक्ट। ठीक है जी, आ जाइए। तो भाई इसमें लेट्स फॉर एग्जांपल ये अपन ने ले लिया, अपन को ये सरफेस पे, ये पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर दिखाना है पानी तो हर जगह है। ठीक है गाइस, तो इस सरफेस पे कितना लिक्विड आ रहा है, या लिक्विड पे प्रेशर कितना आ रहा है, इस सरफेस पे कितना लिक्विड प्रेशर आ रहा है। ठीक है, इस पे कितना प्रेशर आ रहा है वो डिटरमाइन करना है।
आंसर है, यहाँ पे अपन लेंगे हाइट हो गया, इसका जो एरिया है वो उसका एरिया अपन मान लेंगे, अपन जो भी है उसका एरिया ले लेते हैं, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, इस पे होगा तो इसके जो भी पैरेलल ऊपर तक लेके जाओ, तो इतना पूरा इस पे लग रहा है वेट आ रहा है, इस पे इतने का पूरा वेट आ रहा है, सबका वेट नहीं आ रहा है, इसमें जो भी इसका वर्टिकल यहाँ से सेम उसका एरिया पे अपन जितना फाइंड कर रहे हैं उसका वेट इसको लग रहा है, करेक्ट करेक्ट। तो क्या होगा, वेट ऑफ दिस सिलेंडर या जो भी है, ठीक है, तो प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। डू यू अग्री विद मी? यस, यू अग्री विद मी? परफेक्ट। फोर्स क्या होता है बेटा, अपने पढ़ाई होगा मास इनटू ग्रेविटी। इस केस में क्या, ऑब्वियसली वेट आ रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है नीचे लग रहा है, तो नीचे लग रहा है वजह क्या है, ग्रेविटेशन पुल भी है एक जगह, तो यहाँ पे एरिया आ सकता है। अभी क्या करेंगे अपन, एरिया, ये एरिया होता क्या है, एरिया अपन को नहीं पता, तो एरिया को अपन एलिमिनेट करना, कुछ और ऐसा टर्म्स वगैरह जो कि कॉन्स्टेंट होगा, तो अपन इजीली, क्योंकि हर जगह पर अगर मेरे को इतना सा एरिया का प्रेशर निकालना है तो उसके लिए अलग से एरिया फाइंड करने का और दूसरे का निकालना है, तो उसको एलिमिनेट कर रहे हैं सिंपल सी एग्जांपल में, एक प्रेशर का इन टर्म्स ऑफ लिक्विड एक नया फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने याद होगा डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट, या तो एरिया इनटू हाइट। व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इनटू हाइट, करेक्ट। तो भाई अगर मैं एरिया को इस तरफ शिफ्ट कर लूं और इसको नीचे ला लूं तो क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा मेरा, मास अपॉन डेंसिटी इनटू हाइट, लवली। तो वही एरिया को, ये जो एरिया है यही एरिया होता है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो क्या हो गया, यहाँ पे मास इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एम, और ये जो डिनोमिनेटर में है ये चीज वो ऊपर आ जाएगा, रो एच, तो मास और मास कैंसिल, तो लास्ट में बचेगा क्या, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ये बात आ गई समझ में, ठीक है, रो जी एच। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा, प्रेशर है तो वही होगा, कैसे आओ देख लेते हैं, डेंसिटी क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, करेक्ट। डेंसिटी क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, ये होगी डेंसिटी। ग्रेविटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट क्या होगा, मीटर होगा, करेक्ट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट क्या था, मीटर होता है, केजी पर मीटर क्यूब, करेक्ट करेक्ट है कि नहीं है, लवली, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या था, मीटर, मीटर कैंसिल, मीटर बच गया, तो क्या बचा, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपॉन मीटर स्क्वायर आप कर लो, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो इसका भी यूनिट क्या है, सेम है। तो बेसिकली व्हाट इज इट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन क्या, न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज व्हाट माय न्यूटन डिवाइड बाय एरिया, तो बचेगा क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बचेगा, पास का प्रेशर का यही आ गया, यूनिट वही आ गया, और इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड में अपन ने क्या फॉर्मूला निकाला, P is equal to rho g h, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ऐसे क्यों निकाला, इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर, ऐसा क्यों निकाला, इतना सिंपल सा फॉर्मूला था उसको क्यों नहीं रखने दिया, इसको अलग से क्यों निकाला, बेटा इसका रीजन यही है, देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपन को पता होगा, पता है पक्का, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हर एक का एक कॉन्स्टेंट रहता है जनरली, ठीक है। फिर क्या है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी भी यूनिट कांस्टेंट है, अपन को पता 9.8 ले लो या 10 ले लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट ही तो अपन को फाइंड करना है, कौन से पॉइंट का अपन को लिक्विड का चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिक्विड है इतना, लेट्स से सपोज 5 मीटर में कितना लिक्विड होगा, तो खाली 5 मीटर यहाँ डालना है, आप कौन सा टाइप किया जाए, तो जो अपन को एरिया वेरिया फाइंड करना था वो एरिया की मदद मानी नहीं,
इस पॉइंट पे हर एक पूरा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे सेम ही होगा प्रेशर। समझ में आ गई बात? तो एरिया धीरे फाइंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आ गया तो इस सब डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया। पॉइंट समझ में आ गई? तो भाई अब एक बात बताओ, जो ये प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा? लिक्विड के केस में वो डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा और हाइट पर डिपेंड करेगा। हाइट मतलब क्या? डेप्थ। और ये प्रेशर है, ये प्रेशर इन द लिक्विड है। अभी टोटल अगर बोलेंगे तो टोटल प्रेशर इन द लिक्विड है, हाइट जो डेप्थ, एच मतलब डेप्थ ले लो, हाइट नहीं, हाइट मतलब ऐसा उल्टा कंफ्यूजन हो जाएगा, एच मतलब इस केस में डेप्थ ले लो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये पी जीरो, पी जीरो क्या होता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो कि होता ही है हर जगह होता है ऑब्वियसली। एटमोस्फेयर मतलब क्या? प्रेशर एग्जाम्पल ड्यू टू एयर, जो एटमोस्फेयर उसके वजह से जो प्रेशर आ रहा है उसको बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वो कॉन्स्टेंट होता है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो प्रेशर एग्जर्टेड एट दिस पॉइंट इज व्हाट फॉर लिक्विड इज व्हाट? टोटल प्रेशर, ओके, टोटल प्रेशर इज व्हाट? पी जीरो, दैट इज व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये वाला प्रेशर हमने फाइंड किया ऑफ लिक्विड एट डेप्थ डी एच इज इक्वल टू जो बी वैल्यू, उसमें अपन को प्रेशर का निकाल देंगे और उसमें ऐड कर लेंगे तो टोटल प्रेशर को पता पड़ जाएगा कि इधर कितना एक्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इतना जो इतनी सारी लिक्विड है इस पर जो प्रेशर एक्ट कर रही है। समझ में आ गई बात? तो भाई अभी बात बताओ, प्रेशर है, ठीक है, तो प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो प्रेशर तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। डेंसिटी, तो मतलब डेंसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर एट ए पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक वॉल्यूम, एक मीटर, एक वॉल्यूम है, एक मीटर क्यूब में कितने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितना डेंस है, कितने सारे। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई में डेंसिटी ज्यादा है, राजस्थान में कोई एक शहर ले लो पाली, उसमें डेंसिटी कम, करेक्ट। तो वैसे डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर मीटर क्यूब या वॉल्यूम, एक मीटर क्यूब में कितने डेंसिटी है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको डेंसिटी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसका डेंसिटी ज्यादा उसमें क्या हो जाएगा, उसका वेट भी ज्यादा आएगा ना, इतने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसका वेट ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा नेचुरली। तो इंक्रीज होने के चक्कर में क्या हो जाएगा, प्रेशर भी अपना इंक्रीज हो गई होगा। ग्रेविटी कॉज ना हाइट, हाइट मतलब क्या? डेप्थ, सॉरी, हाइट मतलब डेप्थ। तो जितना जितना नीचे जाऊंगा उतना सारा ज्यादा ज्यादा बढ़ता रहेगा ना भाई। एक नीचे गया, एक मीटर नीचे गया तो एक मीटर तक का मेरे को वॉल्यूम का जो लिक्विड आएगा उसको प्रेशर आएगा, और नीचे गया तो और ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा। जैसे डेप्थ में जाते जाऊंगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट होता। समझ में आ गई बात? इतना बात क्लियर है? इसमें कुछ भी डाउट है? और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। कुछ भी डाउट है तो बेटा बता, सिंपल है, कमेंट कर लेना कुछ भी डाउट हो तो। आई गेस एकदम सिंपल हो गया होगा आपके लिए, अब तक समझ में भी आ गया होगा कैसे अपने डिराइव किया रोज, ये शो भी अपने समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात, करेक्ट गाइस। कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो, इजी समझ में आ रहा हो आप लोग को, तो प्लीज 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 लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करवा लीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और स्टडी इजीली हो जाए। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, फिर मिलेंगे।